जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन इसका फर्स्ट लॉ देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स का और साथ ही इसके बेसिक्स अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ की। फर्स्ट लॉ में अपन ने बात करी कि हीट एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है, मतलब हीट एनर्जी कंजर्व है, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यही अपन ने फर्स्ट लॉ में जाना था। आज अपन बात करने वाले अपने सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ का जैसे ही नाम आता है अपने दिमाग में दो चीज़ें आती है कि सेकेंड लॉ आते ही कोई दो स्टेटमेंट थे जो सेकेंड लॉ में आते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट थे? एक तो क्लॉसिस का स्टेटमेंट था और एक केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट था। इन दोनों स्टेटमेंट की अपन को तुरंत याद आ जाता है कि सेकेंड लॉ इन्हीं से बेस्ड है। अब ये क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या बोला उन्होंने, बोला कि एनर्जी है उसको आप कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते पूरा का पूरा। ये तो अपना हो गया स्टेटमेंट किसका, केल्विन प्लैंक का। लेकिन ये जानने से पहले अपन को छोटी सी टर्म जानने की जरूरत है कि हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी किसे बोलते हैं। अब हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी इनका क्या फंडा है? हाई ग्रेड एनर्जी तो वो जिसको अपन कम्प्लीटली इसमें लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सके हैं, ये तो कहलाती है अपनी हाई ग्रेड एनर्जी। जैसे कि हो गया अपना वर्क, वर्क को अपन कम्प्लीटली हीट में या किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो हो गई अपनी हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्या हो गई? जिसको एक एनर्जी को कम्प्लीटली दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो हो गई अपनी हीट हो गई, इसको कम्प्लीटली दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये हो जाती है अपनी हीट। तो अब यहाँ से जो अपना केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था उन्होंने बोल दिया अपन को कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती है जो कंटिन्यूसली कार्य करती रहे और एनर्जी को कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट करती रहे बिना किसी सिंक के। मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल रिजर्वायर लगा दिया मैंने, एक सिंगल रिजर्वायर लगा दिया मान लीजिए ये, जिसका टेम्परेचर हो गया T1 और ये मेरा इंजन हो गया। इससे मैं कंप्लीटली वर्क निकाल रहा हूँ इससे। यहाँ से मैंने हीट सप्लाई कर दी Q1 ना लेके इसको सप्लाई एनर्जी बोलते हैं QS, हीट सप्लाई कर दी QS। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो इस तरीके से कार्य कर सके, ऐसी कोई मशीन ही नहीं है कि सिंगल लेजर वायर लगा दिया आपने और कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट करती रहेगी। यहाँ पर इसका हीट एनर्जी का लॉस होता है। लॉस क्या होता है कि वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, तो अपन को एक और रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी जिसे सिंक बोलेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा कि मैं यहाँ पर एक और रिजर्वायर लगा दूँ जिसका टेम्परेचर बोल दूँ T2, उसका टेम्परेचर बोल दूँ T2 या सिंक का टेम्परेचर TS। तो कुछ हीट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी, वो जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, ये वाली मेरी निकल जाएगी सिंक में। तो ये हो गया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। अब यहाँ से अपन को एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो इंजन है इसका, इस इंजन का एफिशिएंसी क्या है, इस इंजन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है सीधी सी बात है कि आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी, जिसको नेटा से अपन शो करते हैं, ये हो जाती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट तो क्या मिल रहा है, वर्क, या इसको नेटवर्क अगर मैं बोल दूँ तो वो हो जाएगा। और इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या हो जाएगा, सप्लाइड एनर्जी QS। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं वर्क निकालूँ मेरा, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ से आ जाएगा कि जो सप्लाइड एनर्जी है वो थोड़ी सी वर्क में कन्वर्ट हो गई और थोड़ी सी सिंक में चली गई। और अगर वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा, वर्क निकालना तो हो जाएगा QS-QR। सप्लाइड एनर्जी में से रिजेक्टेड एनर्जी निकालेंगे तो वो बची हुई अपने वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से नेटवर्क का फॉर्मूला QS-QR /
पाई डायमेंशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीटा बराबर 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। अगर अपन इसको हीट की एनर्जी हीट की फॉर्म में ना लिखे अगर टेम्परेचर की फॉर्म में बात करें, क्यों टेम्परेचर की फॉर्म में क्यों करेंगे, क्योंकि अपनी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके टेम्परेचर की, जो अपन पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिख देता हूँ, वो मेरा हो जाएगा नीटा बराबर 1 माइनस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड क्या है टी टू, टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा टी टू ना बोल के इसको लोअर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं जो सिंक का है, और T1 ना बोल के इसको हायर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं जो कि सोर्स का है T2 अपॉन T1। ये हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसी भी इंजन की। अब ऐसे ही अपना दूसरा स्टेटमेंट था वो था केलोसिस का स्टेटमेंट, आइए देखते हैं। तो यहां से अपन को क्या पता चलता है, केलोसिस स्टेटमेंट से अपन को पता चलता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो कि लो तापमान से लो टेम्परेचर सोर्स से टेम्परेचर को खींच के और हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर में भेज सके। मतलब ऐसा कोई सा भी डिवाइस नहीं है जो बिना किसी एडिशनल वर्क के बिना किसी इफेक्ट के ऐसा कार्य कर सके। मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वोयर से हीट लेगा और हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर में हीट सप्लाई कर देगा बिना किसी एडिशनल वर्क के, ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया अपने क्लोसिस का स्टेटमेंट। क्लोसिस के स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए मेरा T1 हायर टेम्परेचर हो गया और ये हो गया कोई डिवाइस जो मैंने बनाया है और ये हो गया T2 टेम्परेचर किसका लोअर टेम्परेचर सिंक का, यहाँ से मैंने हीट एनर्जी ली Q2 और सप्लाई कर दी हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को Q2 ही सप्लाई कर दी। तो ऐसा तो कोई बन ही नहीं सकता कि जितनी ली थी उतनी इधर सप्लाई कर दी बिना कोई एडिशनल डिवाइस लगाए बिना कुछ वर्क किए या बिना कुछ अदर इफेक्ट प्रोड्यूस किए, अपन ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं सकते। अगर ऐसा कोई डिवाइस बनता है तो वो इसका विपरीत होगा क्लोसिस स्टेटमेंट का, वोलेट करेगा वो, ठीक है। तो इससे अपन को क्या पता चला, इससे अपन को पता चला कि साहब ऐसा तो कोई डिवाइस हो ही नहीं सकता। अब ऐसा कोई डिवाइस नहीं हो सकता तो जैसे ही अपन ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो अपन को पता चलता है कि यार अपने घर में रेफ्रिजरेटर है, अपने घर में एसी है, अपने घर में सर्दियों के टाइम में जो अपन हीटर चलाते हैं या जो वो हीट पंप है वो कैसे काम करता है, क्योंकि वो क्या करता है एसी क्या करता है लो टेम्परेचर की एयर में से उसका बचा हुआ टेम्परेचर भी खींच के इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है, मतलब हायर टेम्परेचर की तरफ छोड़ देता है। तो वहाँ पर अपन को क्या करना, अब ये डिवाइस कैसा होगा, ये डिवाइस ऐसा होगा, ये T1 ये डिवाइस हो गया और इसमें एडिशनल वर्क इनपुट देना पड़ रहा है अपन को, सिंक से हीट को सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से Q2 ली और यहाँ पर Q1 एडिशनल वर्क एड हो गया तो Q1 हो गई एनर्जी और अपन ने हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को फ्लो कर दी। तो अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, यहाँ से अपन को निकालना है कि अपना जो रेफ्रिजरेटर हो गया और अपना जो हीट पंप हो गया उन दोनों की एफिशिएंसी और उन दोनों की COP, ये अपन को निकालनी है। अब एफिशिएंसी तो यहाँ पर निकलती नहीं है क्योंकि अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है और जो हीट पंप होता है उनकी COP निकलती है। COP मतलब है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आइए निकालते हैं, जब अपन बात कर रहे हैं COP की, COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी इसी को ही बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर COP ना आके वहाँ पर एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो दिया हुआ है तो वो भी अपना COP ही है। अब एक चीज है कि ये होता क्या है, ये एक रेशियो होता है, किस किस का ये रेशियो होता है कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, क्या होता है COP, क्या होता है COP हो गया मेरा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट।
अपन को जो इफेक्ट मिला डिवाइस लगाने से, अपन को जो इफेक्ट मिला और जितना अपन ने वर्क इनपुट किया, ये अपना सीओ को देता है। अब इफेक्ट से क्या मतलब है? इफेक्ट से मतलब है कि अपन जब रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं उस केस में अपन को जो कूलिंग मिली, रेफ्रिजरेंट के केस में जो अपन को कूलिंग मिली वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। और अगर अपन हीटपम्प की बात करें, हीटपम्प में अपन को जो एडिशनल हीट मिल रही है, जो टेम्परेचर बढ़ा रहा है वो रूम का सर्दियों के टाइम में, तो वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट हो गया हीट पंप के केस में। और वर्क इनपुट जो अपन उसमें वर्क सप्लाई करेंगे वो अपना वर्क इनपुट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों के डायग्राम किस तरीके से बनेंगे वो देखिए। वो हो जाएगा ये हो गया मेरा Q1, T1, Q2, T2 और ये हो गया वर्क सप्लाई, सप्लाइड वर्क। ठीक है, अब अपन हीट पंप में वर्क ऐड कर रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहा है? ATM से, मतलब बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के टेम्परेचर से हीट ले रहा है। और कहाँ सप्लाई कर रहा है? ये अपने रूम में सप्लाई कर रहा है। हीट पंप क्या करता है? ATM से, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर तो वैसे ही कम है, वहाँ से ये एनर्जी ले रहा है और उसको सप्लाई कर रहा है अपने रूम में, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया मेरा? यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट हो गया कि T1 जो होगा वो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर अपन बात करें किसकी, COP की टर्म में, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो COP इसका क्या हो जाएगा? इसके COP की बात करें तो COP इसका हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट Q1 अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा? वर्क इनपुट इन दोनों का डिफरेंस, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस? अगर Q1 की बात करूं मैं, जैसे Q1 बराबर क्या हो गया? ये और प्लस ये, W प्लस Q2। और अगर वर्क इनपुट निकालना है तो Q1 माइनस Q2। तो यहां से W की जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। या टेम्परेचर की टर्म में अगर इसको बात करें तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर की टर्म में COP ऑफ ए पंप हीट, COP ऑफ ए हीट पंप इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये हो गया मेरा हीट पंप का COP। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाएगा? वही सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन बस एक समझने की चीज़ है। समझने की चीज़ क्या है? यहाँ पर अपन ने रेफ्रिजरेटर लगा दिया और ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गई Q2, ये हो गया Q1 और ये मैं वर्क इनपुट कर रहा हूँ सब W। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये तो हो जाएगा मेरा ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T2, और ये हो जाएगा मेरा रेफ्रिजरेटर का इंटरनल स्पेस, जहाँ से ये हीट ले रहा है जो रेफ्रिजरेटर का जो स्पेस रहता है जिसमें कूलिंग करता है वो, ये हो जाएगा स्पेस, जो रेफ्रिजरेटर का स्पेस है जिसमें कूलिंग करनी है वो हो जाएगा, वहाँ से एनर्जी को ले रहा है और हायर एनर्जी सोर्स में भेज रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में भेज रहा है जहाँ पर ऑलरेडी ही टेम्परेचर इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काम करता है अपना रेफ्रिजरेटर। तो अगर इसकी COP की बात करें, तो COP क्या हो जाएगी? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, ये COP जाती है। अब डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर में डिजायर क्या हो रहा है, मतलब जो मिलना चाहिए वो कौन सा इफेक्ट है? वो इफेक्ट है मेरा Q2। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पर मेरा? Q2 मुझे मिल रहा है, लोअर टेम्परेचर मिल रहा है स्पेस में, तो डिजायर्ड इफेक्ट हो गया Q2। और अगर वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट निकालें तो क्या हो जाएगा? वर्क इनपुट वही सेम क्या हो गया? Q1 माइनस Q2, ये हो गया मेरा Q1 और ये हो गया टेम्परेचर T1। ये बस इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। या अगर इसको टेम्परेचर की टर्म में लिखें, COP इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये किसकी COP आई?
ये आ गई मेरे रेफ्रिजरेटर की सीओपी, और ये किसकी सीओपी थी? ये थी मेरे हेडपंप की सीओपी। अब इन दोनों सीओपी में क्या रिलेशन होता है? इन दोनों सीओपी में रिलेशन होता है कि सीओपी हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। ये इन दोनों में रिलेशन होता है, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा कि हीट पंप की सीओपी एक अधिक होती है किसकी सीओपी से? रेफ्रिजरेटर की सीओपी से। तो ये आया आपने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, और साथ ही थ्योरेटिकल पोर्शन में इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। तो आप अपने इस दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।